हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का डिस्कशन का टॉपिक है गफर। गफर जो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हम पूरे के पूरे प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल के सारे टाइप्स के बारे में देख लिए होंगे। ये प्रोटोकॉल का पूरे के पूरे आखिरी जो लास्ट होता है उसके बारे में है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गफर इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल किसको बोला जाता है? गफर को बोला जाता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स स्टोर ऑन द रिमोट वेब सर्वर्स। रिमोट वेब सर्वर, जो वेब सर्वर होता है उधर जो डॉक्यूमेंट और कुछ डेटा जो स्टोर करके रखा गया होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उधर से डेटा लेके आपको जो प्रोवाइड करेगा उसी प्रोटोकॉल को बोलते हैं गफर। ओके, गफर का काम यही है। गफर वाज कंसीव्ड इन 1991। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। गफर वॉज कॉन्सेप्ट इन 1991 एज वन ऑफ द इंटरनेट्स फास्ट डाटा फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट में जो फास्ट डाटा फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल है सारे के सारे जो से जो भी है, 1991 में एक ऐसा प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया जो मतलब इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है गफर, जो कि इंटरनेट से पूरे के पूरे डाटा फाइल्स को फास्ट एक्सेस करके देता है पूरे के पूरे पूरे तेज़ी से, मतलब बहुत ही जल्दी, कम टाइम लगता है उसको एक्सेस करने के लिए फाइल्स आपको देने के लिए। ओके, टू रन ऑन द टॉप ऑफ TCP/IP नेटवर्क। TCP/IP के नेटवर्क के सहायता से गफर यूज़ होता है। इट इज़ ए वेरी ओल्ड प्रोटोकॉल। ये एक ओल्ड प्रोटोकॉल है, पूरे के पूरे ओल्ड है। 1991 आप समझ सकते हो कितना ओल्ड है। ओके, यूज टू ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट फाइल्स इन हायरार्किकल मैनर। टेक्स्ट फाइल को हायरार्किकल मैनर मतलब जो हायरार्किकल मैनर मतलब आप जो ऐसा ही लिखते हैं, ये एक टाइप हो गया, ये दो टाइप हो गया, उसके टाइप से भी ये टाइप आएगा और ये भी दो टाइप हो गया। ये एक टाइप है मेन टाइप, इसका पार्ट दो निकलेगा, इसका पार्ट दो निकलेगा और इससे तीन निकलेगा। ये सब हायरार्किकल मैनर है। ओके, गफर में भी डेटा ही कुछ ऐसा ही स्टोर होकर रहता है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोटोकॉल यूज टू ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट फाइल। ऑर्गेनाइज करके रखेगा टेक्स्ट, रखेगा टेक्स्ट फाइल को कैसा? हायरार्किकल मैनर पे। और स्ट्रक्चर एंड व्यू द फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर मतलब क्या? आपका जो कंप्यूटर हो गया, आप अगर गफर के सहायता से कुछ भी चीज़ें इंटरनेट से ड्राइव करके देखना चाहोगे तो ये हायरार्किकल मैनर में आपको दिखाएगा। ओके, इट इनिशियली सपोर्ट्स ओनली टेक्स्ट बेस्ड फाइल। पहले पहले ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था पहले टेक्स्ट फाइल को सिर्फ सपोर्ट करता था और डॉक्यूमेंट को सिर्फ सपोर्ट करता था। ओके, और बाद में इसका ज़रूरत और भी पड़ गया तो इसलिए लेटर कम टू सपोर्ट सम इमेजेस फॉर्मेट सच एज GIF एंड JPEG। और सिर्फ टेक्स्ट फाइल से तो कुछ भी हमको काम को चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगा, और बाद में इसको ऐसा बनाया गया कि इमेज फाइल को भी सपोर्ट करे और इमेज फाइल के डेटा को भी रिट्राइव करके हमको दिखाए। ओके, तो इसलिए ये और दो जो इमेज के फाइल होते हैं GIF और JPEG, आप तो नाम तो सुनेंगे, यूज भी किए होंगे JPEG और GIF, व्हाट्सएप में GIF भी आता है। तो ये सारे जो इमेज के फॉर्मेट है उसको भी सपोर्ट करने के लिए गफर को और भी इम्प्रूव किया गया था। ओके, Now a days Gopher was successed by the HTTP protocol। ये पहले ज़माने का प्रोटोकॉल था जो रिट्राइव करके डेटा हमको दिखाता था, पर गफर को अब रिप्लेस किया गया है किससे? HTTP से। HTTP तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं, नाम तो सुने ही होंगे, सभी लोग भी यूज करते होंगे। Now a days Gopher was successed by the HTTP protocol and now has very few implementation। और अभी पहले जितना गफर को यूज किया गया था अभी वो यूज़ इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और अभी तो यूज ही नहीं होता उसके लिए। उसके अलावा हमको गफर के जो रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया? HTTP प्रोटोकॉल, जो अभी हम यूज करते हैं नाउ जनरेशन में। ओके, अभी के जनरेशन में। तो ये हो गया गफर के बारे में सर नोट, और एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है मैं तो बता दिया हूँ पिछले वीडियो में भी और अभी भी मैं बता दिया कि शॉर्ट को शॉर्ट नोट के अंडर बहुत भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ओके, गफर के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन पूछेगा तो आप ये पहला लाइन ही लिख लेना सही रहेगा। और ये सारे के सारे शॉर्ट नोट को आपको कैसे लिखना है मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, तो मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू।